हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चौहान ब्लॉग्स। मैं आपका अपना गगन चौहान। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही छोटे साइज की किचन। आपने बहुत ही रेयर देखी होगी, हमने ये ऐसे छोटे साइज में इतना बेस्ट डिजाइन बनाया है कि आप मतलब विश्वास नहीं कर सकते कि इतनी अच्छी हमने किचन इतने छोटे स्पेस में बना दिया। स्पेस में बता देता हूँ आपको, जो इसकी लंबाई है ऐसे हमारी, ये तो 8 फीट है, और ऐसे जो चौड़ाई है इसकी वो मात्र 4.5 फीट है। अब आप सोच नहीं सकते कि 4.5x8 में भी मॉडर्न किचन बन सकती है, लेकिन हमने बना दी। और मैं आपको दिखाऊंगा भी हमने बनाई क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें ली है। आइए आपको दिखाते हैं उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें लगाई। अब आप ये देख रहे हैं कि सिंक वाला एरिया इसका थोड़ा बाहर आ रहा है, बाकी अंदर वाली साइड इसकी डेप्थ अंदर है। ये हमने डेप्थ इसलिए जो कम करी है, इसलिए करी है जब भी यहाँ पे हम खड़े होकर खाना बनाएंगे कुछ भी करेंगे, तो हमने ये जो लिया है दरअसल ये 16 इंच का लिया है। इससे क्या बेनिफिट हुआ हमारा कि अंदर जो हमें स्पेस है वो हमारा 3 फीट का स्पेस मिल गया खड़े होने के लिए। और सिंक जो हमारी आती है वो आती है 24x18 की, तो उसको हम इसलिए छोटा नहीं कर सकते थे 16 इंच का, तो इसलिए हमने 24x18 की इसके अंदर सिंक ली है। ये इसके अंदर वेजिटेबल वगैरह वॉश करने के लिए है, साइलेंट वाली हमने इसके अंदर सिंक लगाई है। इसका जो हमने जो साइज लिया है इधर, हमने ये लिया है 21 इंची। इससे बेनिफिट क्या हुआ, एक तो 18 इंच की हमारी सिंक आ गई 18x24 की, और हमारा पत्थर भी जो है कैबिनेट से बाहर निकल गया। इससे क्या है पानी डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं गिरेगा। अब इसी के ऊपर हमने जो लगाया है इधर वाली साइड हमने लगाया है डिसरैक। देखो इसके अंदर हमने डिसरैक भी दे दिया, वो सब आपको पता ही है कि इसका क्या यूज होता है क्या नहीं होता। ऊपर से इसमें प्लेट वगैरह, जैसे नीचे से वॉश किया हमने, ऊपर रख लिया प्लेट और इसमें बाउल वगैरह रख लिया, इसी के नीचे ट्रे में पानी इकट्ठा हो जाता है। इसको आप आराम से सिंक में डाल सकते हैं ऐसे, दोबारा से इसको इसके अंदर इंस्टॉल कर। इसी के जस्ट बराबर में हमारा आ गया आरओ। अब ये देखो आपकी आरओ, आप देख रहे होंगे कि पूरा अंदर फिट हो गया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एक तो बाहर से दिखेगा नहीं हमारा कि इधर आरओ लगा हुआ है, और आप ये सोच रहे होंगे इसके नीचे हम पानी लेंगे कैसे। अब आप ये नीचे से देखिए, इसमें ना हमने होल कर दिया, जहां पे इसकी टैप है ना यहीं पे हमने होल कर दिया, तो आप जैसे इसको खोलेंगे तो यहीं से पानी आ जाएगा नीचे। इसको ऐसे बंद करेंगे आप, शॉर्ट कूलर ऐसे बंद हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये छोटा साइज है, तो इसमें स्पेस कैसे रहेगा कैसे नहीं रहेगा, तो उसी के लिए मैं दिखाता हूँ। अगर आपको भी कभी छोटे स्पेस में किचन बनानी हो, तो उसका सबसे बड़ा जो तरीका है, सही तरीका है बनाने का, आप ऊपर वाली जो कैबिनेट्स हैं इसको हमेशा आपको लेंटर हाइट तक बनाना चाहिए, सीलिंग हाइट तक। ये नीचे वाली जो कैबिनेट है इसकी जो हमें हाइट गहराई रखनी चाहिए वो 12 इंच होनी चाहिए, और इसी के ऊपर वाली जो कैबिनेट है उसको हमको 15 इंच करना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो सिमेट्री बहुत अच्छी लगती है, ये भी हाईलाइट होती है ऊपर फ्रंट में और नीचे वाली भी। इसमें ऊपर खोलने वाला हमने पल्ले दे दिए हैं, इसमें बड़े बर्तन वगैरह या कुछ भी जो कभी कभी यूज वाली चीजें हैं अपना, इसको आराम से आप यूज कर सकते हैं। ऐसी इसके साइड में इधर वाली साइड भी 2 पल्ले आ गए हमारे, ये बंद कर दिया हमने, ऐसी 2 पल्ले इधर है। अब आप देख रहे हैं कि इतनी छोटी किचन में कितनी बड़ी बड़ी आपको कैबिनेट्स मिल गई। इसी में जस्ट आप बराबर में देख रहे होंगे, जो हमारी सारी वीडियो में आप देखते हैं जो हमारा सबसे बेस्ट लुक रहता है वो है हमारा प्रोफाइल वाले पल्ले। देखो हमने इस छोटी किचन में कितना सुंदर लुक दिया है। इसको आप ऐसे खोलेंगे, अंदर हमने इसमें सेल्फ दिया है जो कांच का है, ऊपर से आपकी लाइट भी आ गई, और इससे लाइट से क्या है दोनों आपकी कैबिनेट में जो भी आप रखोगे अच्छे से दिखेगा। ये भी सॉफ्ट क्लोज है सारे, ये वही अपने प्रोफाइल के पल्ले हैं, इसमें टिंटेड ग्लास है ऊपर से ब्लैक कलर के। इधर एक हमने चिमनी के जस्ट बराबर में ओपन कैबिनेट दी है, वैसे तो इसको यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये है कि फिर भी अगर हम इसको ओपन छोड़ देते तो किचन बहुत ही अलग सी लगती। इसमें भी एक कांच का सेल्फ आएगा, ऊपर आपका नीचे कुछ भी अपना सामान वगैरह रखने का काम आ जाएगा। अब इसी में नीचे आ जाते हैं, इधर देख रहे हैं आप, इधर भी आपको पूरा एक सेल्फ मिल गया, इसमें भी आपके अंदर कैबिनेट सामान वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं बड़े आराम से। इसमें भी अपना पार्टीशन डाल दिया, वही अपना फोल्ड वाला पार्टीशन डालते हैं, अभी आपको बड़ा कुछ बॉक्स रखना हो तो इसको निकाल दो और इसके अंदर रख दो। इसी के जस्ट बराबर में हमारा कॉर्नर आ गया, ये देखो आप कितनी सुंदर कैबिनेट बन गई इसमें कॉर्नर बैक तक। इसमें क्या है आप अंदर तक सामान रख सकते हैं, इसको ऐसे ही सॉफ्ट क्लोज बंद कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी किचन में कुछ प्लेट होल्डर नहीं है, कुछ नहीं है, सब चीज है, थोड़ा वेट करो मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये देखो कितनी बढ़िया इसमें कटलरी आ गई हमारी, कितने बड़े साइज की। इसमें हमने जो लगाई है 800mm की कटलरी है, नहीं तो इतनी छोटी किचन में 800mm की कटलरी तो फिट हो ही नहीं सकती। वही अपना ये इनोटेक में है, अल्टीमा ब्रांड में है। इसको आप ऐसे पीवीसी वाली कटलरी आती है, इसको अपना ऐसे फिट करो और ऑटोमेटिक ऐसे सॉफ्ट क्लोज बंद हो जाएंगे। इसी के नीचे एक हमारे बाउल्स वगैरह कटोरी वगैरह रखने के लिए आ गया, ये भी सॉफ्ट क्लोज में ऐसे। अब इसी के नीचे हमारा प्लेट होल्डर आ गया, और आप देख रहे हैं ना इस पूरी छोटी किचन में हर एक चीज रखने की जगह है। ये इसको भी अपना ऐसे हल्का सा सॉफ्ट क्लोज बंद कर दिया। इसी में हमने एक जो लगाई है
कैफ की चिमनी लगाई है, ये आपकी 600 mm में आती है, ऑटो क्लीन है, सेंसर वाली चिमनी है, बहुत बढ़िया काम करती है और बहुत ही जेन्युइन रेंज में है। इसका मैं प्राइस बता देता हूँ आपको, ये 12,900 रुपए की पड़ती है चिमनी। अब मैं इसी में लास्ट में जो आपको दिखाऊंगा, जो इस किचन में हमने सबसे बढ़िया जो लुक दिया है, जिससे कि आपका क्या है कि आपके स्पेस भी बहुत ज्यादा अच्छा निकल गया है और लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब ये देखिए आप इसकी इस वाले लेफ्ट वाली साइड में कितनी अच्छी क्रॉकरी यूनिट। अब तक आपने हमारी जो ब्लैक प्रोफाइल वाली क्रॉकरी यूनिट तो बहुत देखी है, लेकिन ये कुछ अलग है। इसमें क्या है, थोड़ा बजट भी नॉर्मल रहता है। एक बात वो भी आती है ना कि फिर हर किसी का बजट ज्यादा नहीं होता, इसमें क्या आपका नॉर्मल बजट भी रहता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। आप ये देखो कितना बढ़िया लुक आया इसमें। अब इसका जो ये बनाया है, ये दीवार में हमने हल्का सा अंदर 6 इंच अंदर डेप्थ बढ़ाई है इसकी। इससे क्या है, एक तो ये बाहर नहीं निकली किचन से, अंदर आई है। इसके अंदर हमने सेल्फ इतने अच्छे अच्छे आ गए, ऊपर यहाँ पे लाइट आ गई और इसमें हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये देखो आप कितना ज्यादा स्टोरेज मिल गया आपको। एक तरीके से बहुत बड़ी क्रॉकरी यूनिट आ गई है और ये भी सॉफ्ट क्लोज है, आप हल्का सा ऐसे पुश करोगे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि पूरा इसका प्रॉपर एक बार साइज और इसके अंदर हमने क्या क्या लगाया है, किस ब्रांड में बनाया है। ये जो हमने बोर्ड इसमें यूज किया है अपना, वही HDMR है सेंचुरी का, पूरा वाटरप्रूफ है, उसकी 7 साल की कंपनी की गारंटी रहती है, ना इसमें कभी दिमक लगेगी ना कभी इसके अंदर से ऊपर सीलन आएगी। अब इसके ऊपर आपने देखा मिरर इक्रेलिक वाली, तो आपने बहुत देख ली हमारी किचन। इसमें जो हमने लगाई है PVC इक्रेलिक है, मिरर इक्रेलिक थोड़ी ज्यादा कॉस्टली आती है, ये नॉर्मल रेंज में बहुत अच्छी चीज है। ये ना बिल्कुल 1.25 mm की होती है और इसमें कभी बबल नहीं आएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसकी आप एस बेंडिंग वगैरह आराम से मैच करके लगा सकते हैं और इसमें आप फिनिशिंग भी देख रहे हैं कितना अच्छी आ रही है, इसकी थिकनेस भी बहुत ज्यादा होती है। इसमें अपने नीचे प्रोफाइल वाली लाइट भी दे दी। अब जो हमने ये किचन बनाई है, इसका प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, 8x4.5 की पूरी किचन है, उसमें हमने चिमनी भी इंक्लूड दी है और ये क्रॉकरी यूनिट भी है। ये हमने जो किचन बना के दी है 1,21,000 रुपए में पूरी किचन हमने कस्टमर को बना के दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और शेयर करना।